न्यू एक्साइज पॉलिसी, सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, नहीं है मनीष सिसोदिया का नाम। दिल्ली में आबकारी घोटाले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीबीआई ने आबकारी घोटाले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई की इस चार्जशीट में कुल 7 आरोपियों के नाम है। उसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। यह चार्जशीट मनीष सिसोदिया के लिए थोड़ी राहत भरी हो सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया को इस पूरे शराब घोटाले का आरोपी बताया जा रहा था। दिल्ली ग्लो न्यूज के लिए दिल्ली से दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ महीने पहले एक मनोहर कहानी लेके आई थी कि दिल्ली में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। कभी बोले 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया, कभी बोले 500 करोड़ का, कभी 900 करोड़ का, कभी 140 करोड़ का, कभी 1 करोड़ का, तरह तरह की कहानियां इन्होंने सुनाई। इन्होंने मेरे घर पे सीबीआई की रेड डलवाई, इन्होंने छापे डलवाए, मेरे बैंक के लॉकर तलाशे। मैंने पहले भी कहा था कि दिल्ली में इस तरह का कोई घोटाला हुआ नहीं है, कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, मैंने तब भी कहा था। लेकिन उस वक्त पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला यहाँ हुआ है। और उसके बाद में दुखी किया गया, बदनाम किया गया, प्रताड़ित किया गया सब लोगों को। आखिरकार ये समझ में आया आज सीबीआई की चार्जशीट से कि मनीष सिसोदिया को तो झूठे ही बदनाम किया जा रहा था, कहीं कोई घोटाला हुआ ही नहीं। आज सीबीआई की चार्जशीट से समझ में आ गया कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ और बाकी चीजें कोर्ट में सिद्ध हो जाएंगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और अपने चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के थ्रू जो फर्जी रिपोर्ट बनाई, जो झूठी रिपोर्ट्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश करते हुए बनवाई आपने अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर से और अपने सीएस से, अब क्या आप अपने सीएस के खिलाफ और अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई करोगे? आज जब यह सिद्ध हो गया है कि सीबीआई ने इतने महीनों की छानबीन, 800 अफसरों को लगा के 500 जगह रेड डाल के ये कहा कि मनीष सिसोदिया के नाम पे अभी कुछ नहीं है, तो मनीष सिसोदिया को जब एक तरह से सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, तो वैसे में क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटाना नहीं चाहिए? क्या चीफ सेक्रेटरी को हटाना नहीं चाहिए? चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को तुरंत हटाना चाहिए। और मोदी जो 24 घंटे इस साजिशों में लगे रहते हैं कि सीबीआई के खिलाफ, सीबीआई को यूज करके, ईडी को यूज करके विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ, चुनी हुई सरकारों के खिलाफ साजिशें कैसे रची जाएं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है देश के लिए, देश की जनता के लिए, कि देश का राजा 24 घंटे सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को साजिशों में कैसे फंसाए, इसी का सपना देखता रहता है। आज जब सीबीआई से क्लीन चिट मिली है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को भी माफी मांगनी चाहिए। रेजिग्नेशन डिमांड आप कर रहे हैं सर, आज 1300 करोड़ का सतर्कता निदेशालय ने एक और करप्शन की बात कर दी। ये रोज नए इस तरह से लाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए कि जो आदमी स्कूल बना रहा है, जो सरकार इतनी मेहनत से काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, उसके खिलाफ तरह तरह की झूठी साजिशें कर रहे हैं और मुंह की खाते जा रहे हैं। बिल्कुल एलजी को रिजाइन करना चाहिए, सीएस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन्होंने साजिशों का हिस्सा बनकर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। सत्येंद्र जैन जी भी पाक साफ निकलेंगे।